नमस्ते दोस्तों, मैं सीमा सत्या फिर से अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज फिर नए वीडियो के साथ और नए रिव्यू के साथ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने इसे अनबॉक्स कर चुका है ताकि हम टाइम वेस्ट ना करें और जल्दी से रिव्यू की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, ये प्योर और नेचुरल हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम द स्टैमिलो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये 5 बॉक्सेस हैं जो मैं ओपन कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मैंने किट भी मंगवाया है, देख सकते हैं आप। ये किट है जिसके लिए मैं जिसमें ये पाउडर्स डाल के इसे अप्लाई करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं पहले किट के बारे में बता देती हूँ। ये प्लास्टिक का है जैसे कि आप देख रहे हैं, और फ्रेंड्स ये बहुत ही स्टर्डी है। और फ्रेंड्स, इसमें आपने देखा स्केल्स भी दिए हुए हैं ताकि आप मेजर कर सकें कि कितना डाल रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये एप्लीकेटर ब्रश है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्टैमिलो का है। और फ्रेंड्स, ये 50 ग्राम्स का पाउडर पैक है। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही नेचुरल और प्योर है। और इसमें देखिए आप, ये रीठा का पाउडर है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले हमारी दादी और नानी इसी काइंड ऑफ पाउडर्स यूज़ करती थी। आप देख सकते हैं ये आंवला प्रोडक्ट है। और आपको मालूम है कि आंवला, रीठा और ये सारे जो भृंगराज है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर द हेयर केयर। और फ्रेंड्स, ये वाला है हिबिस्कस। और फ्रेंड्स, ये है शिकाकाई। तो फ्रेंड्स, इसके एडवांटेजेस इतने सारे हैं। फ्रेंड्स, ये आपके ना केवल आपके हेयर की ग्रोथ के लिए और नरिशमेंट के लिए, एज वेल एज़ आपकी क्वालिटी ऑफ द हेयर, इसको भी बहुत मेंटेन करके रखता है। डैमेज ऑफ हेयर कंट्रोल करता है, डैंड्रफ नहीं आने देता है, स्मूदनिंग करता है। और फ्रेंड्स, जैसे कि आजकल हम हेयर कलर्स यूज़ करते हैं या फिर हम हाइलाइटर्स यूज़ करते हैं, तो फ्रेंड्स उसके लिए भी ये जो केमिकल ट्रीटमेंट्स हम यूज़ करते हैं उसके बाद अगर हम, तो फ्रेंड्स हम ऐसे पाउडर्स का पैक यूज़ करते हैं तो बहुत नेचुरल है। और ये आपकी हेयर की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन करता है, और बल्कि जो क्वालिटी है उसको रीबूस्ट भी करता है। दोस्तों, मैंने ये अमेजोन से मंगवाया है, बट फ्रेंड्स ये फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है और इस काइंड के किट भी अवेलेबल है। तो आपको अगर मंगवाना है तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करती हूँ। इसका क्वालिटी वाइज और इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, अभी भी ये बहुत अच्छे से पैक है, देख सकते हैं आप। ये सिल्वर फॉइल के साथ बहुत अच्छे से अभी भी पैक है। तो फ्रेंड्स, हम ज़्यादा बातें ना करते हुए जल्दी से इसको ओपन करके हम अप्लाई करते हैं और इसके रिजल्ट्स भी देखते हैं। लास्ट हमारा रीठा वाला पाउडर है। तो दोस्तों, ये जो मेरे पास स्पून है वो चाय वाला चम्मच है। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले रीठा पाउडर 2 स्पून ले रही हूँ। या फ्रेंड्स, आप इसको अगर ले रहे हैं तो देखिए फ्रेंड्स, TS है, बहुत फुल ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, मुझे कम लगेगा तो मैं सेकेंड टाइम ले लूँगी। फ्रेंड्स, मेरा जो एक चम्मच है वो शिकाकाई का है, वो भी मैं अच्छा सा फुल चम्मच शिकाकाई का ले रही हूँ। ये मेरा जो है भृंगराज, फ्रेंड्स वो भी मैं एक फुल चम्मच, आप देख सकते हैं, ये भी मैं इसी बोल में डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, ये है हिबिस्कस, ये भी मैं बहुत फुल चम्मच इसी कंटेनर में डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आंवला है, जो मैं इसको भी फुल ऑफ 1 TSF, देखिए फ्रेंड्स ऐसा फुल ऑफ ले रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप इसे एक पाउडर, जैसे कि आप चाहते हैं कि आंवला ही लगाना चाहते हैं या फिर रीठा, जैसे कि आपको मालूम है कि रीठा से आप बाल धो सकते हैं या शिकाकाई से, तो आप उसे डायरेक्टली 1 पाउडर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स, इसके मोर एडवांटेजेस और ज़्यादा बेनिफिट्स के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ये 5ों पाउडर्स मिक्स करके ही लगाएं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे हमारा टाइम भी सेव होता है और हमारा एफर्ट्स भी कम लगता है। और फ्रेंड्स, इसे मैं वीक में एक बार तो ज़रूर अप्लाई करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपकी इच्छा है कि आप इसे वीकली 2 टाइम्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करेंगे ताकि ये ज़्यादा लिक्विड ना हो जाए। और फ्रेंड्स, इसे सेमी सॉलिड काइंड ऑफ पेस्ट बनाएंगे। और फ्रेंड्स, आपको इस पाउडर को बहुत देर रखने की या 1-1.5 घंटा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे इंस्टेंटली अप्लाई कर सकते हैं अपने हेयर्स पे। तो फ्रेंड्स, मैं इंस्टेंटली ही अप्लाई करती हूँ। फ्रेंड्स, अब ये काफ़ी अच्छा सा हो गया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो यू हैव टू टेक द प्रिकॉशन ऑफ दैट स्टेनिंग ऑल्सो। तो फ्रेंड्स, हम जल्दी से लगाते हैं विद द एप्लीकेटर। फ्रेंड्स, मैंने अपने हेयर्स को अच्छे से कॉम किया हुआ है और मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ ताकि हम इसे अच्छे से अप्लाई कर सकें। तो फ्रेंड्स, मैं इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ।
तो फ्रेंड्स मैंने इसे पूरा अप्लाई कर लिया है। 30 मिनट्स तक मैं इसे अपने हेयर पैक को रखूँगी और 30 मिनट्स के बाद मैं इसे वॉश करूँगी। तो दोस्तों 30 मिनट्स के बाद मैं वॉश करके आ गई हूँ हेयर्स, और फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गए हैं क्योंकि इसमें सारे पाउडर्स हैं वो क्लींजिंग का भी काम करते हैं। और फ्रेंड्स ये बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं और हेयर्स, और बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली इस प्रोडक्ट का जो रिव्यू है मेरी तरफ से बहुत अच्छा है, और फ्रेंड्स मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका लिंक और इसके डिटेल्स और इसके प्राइजेस स्क्रीन के साथ शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से चेक इन कर सकते हैं। और तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे साथ इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू दिस तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन या क्वेरीज भेज सकते हैं, मैं डेफिनेटली उनका आंसर करूँगी। दोस्तों फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नए रिव्यू के साथ, तब तक।